हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं SCL के बारे में, जिसका कि अभी रिक्रूटमेंट आया हुआ है। SCL जो कि एक टेक्नोलॉजी SCL टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नया वैकेंसी आया हुआ है 2020 का। तो मैं इसके बारे में आपको सारी बातें अभी बताऊंगी कि कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले, मैं सारी बातें आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि आपको कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं फ्रेंड्स। इसमें आपकी कोई भी फ़ी, एप्लीकेशन की फ़ी भी नहीं रखी गई है। इसमें आपके सिंपली एक ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है एंड दैट्स इट। उससे अलावा आपके कुछ नहीं होने वाले हैं। मैं और इसमें आपको बता दूं कि कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसे अप्लाई कर सकता है। आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है एंड देन कोई किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको नो मैटर आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ 1,74,000 पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है दोस्त। तो आइए मैं इस वीडियो के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें क्या करना है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते होंगे SCL के बारे में, आपने सुना ही होगा शायद कि SCL एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी है फ्रेंड्स। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी IT कंपनी है जिसका कि नया वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए मैं आपको सब बारे में बताती हूँ सबके बारे में। सबसे मेन बात इसमें अच्छी है आपकी कि ये जॉब वर्क फ्रॉम होम है फ्रेंड्स। तो ड्यू टू कोरोना वायरस आप आराम से घर से कर सकते हो, यानी कि इसमें आप अलग से अगर आप पढ़ाई भी करो तो वो भी करो, और ये इस कंपनी में अगर आपकी हो जाती है तो धीरे धीरे आपकी प्रमोशन तो होगी ही, लेकिन अभी आप आराम से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो सबसे अच्छी मुझे यही बात इस फॉर्म में लगी है कि आप ये फॉर्म वर्क फ्रॉम होम है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको आगे इसके बारे में बताती हूँ। तो इसमें सारे स्टेट के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे स्टेट के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं बताती हूँ कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको इसकी साइट में इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से इजीली जा सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने साइट पर, तो आप देख सकते हो हमारा साइट है SCLTech.com। तो यही हमारा साइट है, इस पर आपको जाना है। मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें से दो वैकेंसीज आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो पहला हमारा है एसोसिएट का, देखो जहाँ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये पहला हमारा हो गया एसोसिएट का। एंड सेकेंड जो हम आप भर सकते हैं वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ दिखाया है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का, ये है आपका। दोनों आपको फ्रेशर्स के लिए, कोई भी फ्रेशर्स हैं आप लोग तो फ्रेशर्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चलिए फर्स्ट पहले आपको ओपन करके दिखाती हूँ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो इसमें आप पहले देख सकते हो कि ये जुलाई 2 को आ चुका है, ये फॉर्म आपका 2 जुलाई 2020 में आ चुका है। लोकेशन आपका नोएडा रहने वाला है। तो चलिए इस फॉर्म को मैं पहले ओपन करती हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे इस तरह का आपका खुल जाएगा फ्रेंड्स कुछ। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें आपका जॉब लोकेशन जो है वो आपका नोएडा रहेगा। जॉब लोकेशन आपका नोएडा है, आपका जो पोस्ट है वो आप देख सकते हो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का है। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो आप देख सकते हो कोई भी ग्रेजुएट इसे अप्लाई कर सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप इसे आराम से अप्लाई करो। स्किल के बारे में आप देख सकते हो इस यहाँ पे कोई भी फ्रेशर्स आप इसे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस में आप दिखा रहे हो नंबर ऑफ पोजीशन की, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे 15 पोस्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको 15 पोस्ट है बस। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, अगर आप जितनी जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हो। तो जैसा कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे आप सिंपली अपना ओपन कर लेना, यहीं से आपका फॉर्म भराएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप व्यू जॉब डिटेल एंड अप्लाई, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेना, आपको जो भी डिटेल देखना हो और आप क्लियरली इसमें अच्छे से देख सकते हो, पूरे डिटेल में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी नेट थोड़ी सी स्लो है,
तो चलिए अभी यहाँ पे खुल गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ नोएडा है आपका, देख सकते हो जॉब लोकेशन आपकी नोएडा रहने वाली है, फ्रेशर्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन आप जो देख रहे हो यहाँ पे लोकेशन आपको गुड़गांव में होगा, आपको गुड़गांव में यहाँ पे दिया जाएगा। एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स में है दोस्तों कि आप यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट आप अगर बीटेक किए हो, बीसीए किए हो, एमसीए किए हो और अगर आप रेगुलर एमबीए वाले हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जॉब प्रोफाइल आपके 100% बैक ऑफिस प्रोफाइल है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कैब की आपकी कैब की सुविधाएं दी जा रही है आपको फ्री मिल, यानी कि आपको खाने पीने फ्री में यहाँ मिलने वाले हैं, आपको कैब की भी सुविधा दी जाएगी एंड फिक्स वीकेंड ऑफ भी आपको बहुत दिन देखने को मिलेंगे। शिफ्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 24/7 का रोटेशनल शिफ्ट है यहाँ पे। सैलरी आप देख रहे हो यहाँ पे 1.73 लाख पर एनम आपकी यहाँ पे सैलरी आने वाली है। जॉब लोकेशन गुड़गांव जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। एंड वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये फ्रेशर्स इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो आराम से। यहाँ पे मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, आप देख सकते हो। स्किल्स में अगर आप देखना चाहो तो स्किल्स में देख लो, स्किल्स रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या क्या है, तो आपकी गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो 24 आपकी जो यहाँ पे गुड टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए विथ 80% एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी आप देख सकते हो यहाँ पे। एक्सीलेंट कीबोर्ड स्किल होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ लो। प्लीज़ नोट, यहाँ पे आप नोट में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको नोट भी दे रहा है, यहाँ पे आप नोट भी पढ़ लें। तो यहाँ पे दे रहा है आपको कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग लैपटॉप डेस्कटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन एज यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम टिल द टाइम ऑफ लॉकडाउन गेट ओवर, यानी कि आप सिंपली आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आपको डेस्कटॉप लैपटॉप ये सब से काम करना है एंड जब तक कि आपका कोरोना वायरस चल रहा है COVID-19 के चलते आप आराम से इसको घर से वर्क फ्रॉम होम करना है आपको। एंड आप देख सकते हो पोस्ट मैंने पहले ही बता ही दिया आपको कि यहाँ 15 पोस्ट के लिए, तो यह सारी बातें आप पढ़ लेना, उसके बाद आप देख लो यहाँ पे अप्लाई टू जॉब दे रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर लेना। वैसे ही आप अप्लाई पे जाओगे यहाँ से आपकी फॉर्म फिलअप हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको सेकंड जो थी उस फॉर्म के बारे में भी मैं आपको बता दूं। आपकी जो यहाँ पे गुड टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए विथ 80% एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी आप देख सकते हो यहाँ पे। एक्सीलेंट कीबोर्ड स्किल होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ लो। प्लीज़ नोट, यहाँ पे आप नोट में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको नोट भी दे रहा है, यहाँ पे आप नोट भी पढ़ लें। तो यहाँ पे दे रहा है आपको कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग लैपटॉप डेस्कटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन एज यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम टिल द टाइम ऑफ लॉकडाउन गेट ओवर, यानी कि आप सिंपली आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आपको डेस्कटॉप लैपटॉप ये सब से काम करना है एंड जब तक कि आपका कोरोना वायरस चल रहा है COVID-19 के चलते आप आराम से इसको घर से वर्क फ्रॉम होम करना है आपको। एंड आप देख सकते हो पोस्ट मैंने पहले ही बता ही दिया आपको कि यहाँ 15 पोस्ट के लिए, तो यह सारी बातें आप पढ़ लेना, उसके बाद आप देख लो यहाँ पे अप्लाई टू जॉब दे रहा है, यहाँ पे अप्लाई कर लेना। वैसे ही आप अप्लाई पे जाओगे यहाँ से आपकी फॉर्म फिलअप हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको सेकंड जो थी उस फॉर्म के बारे में भी मैं तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको सेकंड रिक्वायरमेंट के बारे में बता दूँ। तो यहाँ देख सकते हो एसोसिएट का है आपका, यहाँ पे एसोसिएट का है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसोसिएट का, ये भी आपका फ्रेशर्स के लिए है, ये भी आपका July 6 को आ गया था 2020। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। इस पर सिंपली हम क्लिक करेंगे, दोनों में से आपको जिस पे भी आपको फॉर्म का अप्लाई करने का मन करे उस फॉर्म को आप अप्लाई कर लेना, ईजिली आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब लोकेशन आपका चेन्नई रहने वाला है, यहाँ पे आपको एसोसिएट का पोस्ट मिल जाता है,
क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें भी आपका ये दरअसल दोस्तों ये आपका एक बॉन्ड है, इसमें आपको बॉन्ड साइन करना पड़ता है, तो आप देख लेना। अगर आप बॉन्ड साइन नहीं करना चाहते हो तो मैंने जो पिछली बताई है उस फॉर्म को भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, तो आप देख लेना जरा इसको भी। इसके स्किल भी आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस आपका फ्रेशर मांगा है, यहाँ पे पोस्ट आपका 12 है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अब मैं बताती हूँ, व्यू जॉब डिटेल पे चलते हैं हम, आप अच्छे से इसके बारे में डिटेल में देख लो इसका क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो जॉब लोकेशन चेन्नई, फ्रेशर्स आप कर सकते हो, एंड देन जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप यहाँ पे देख लो, एम्प्लॉय टाइप आपका यहाँ दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप देख सकते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो आप देख लेना, आपको अगर आप करने के लिए इच्छुक हो तो आप करो, नहीं तो एज योर विश। एंड देन आप यहाँ पे देख लो, आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्किल आप यहाँ पे देख लो क्या क्या दे रहा है। एंड देन यहाँ आपको मैंने सारी बातें फिर से बता दी हैं, जॉब ये आपका 2 अगस्त तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे देख लो जॉब एक्सपायर यानी 2 अगस्त तक आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सारी बातें ये सबको पढ़ लेना, अच्छे से डिटेल आपको दी हुई है यहाँ पे, आप आके आराम से देख लो। एग्ज़ाम तो होने वाली है नहीं, ऑनलाइन सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा जो कि आई होप शायद होम से ही होगा आपके, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी, यहाँ अप्लाई टू जॉब पे जाना सिंपली एंड अप्लाई कर देना है आपको, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड शेयर जरूर करें ताकि जो भी इंटरेस्टेड हो वो फॉर्म को अप्लाई कर सके, एंड बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ऑल पे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके फ्रेंड्स। तो इसी तरह के मैं जॉब्स आपको और बताती रहूँगी, वर्क फ्रॉम होम भी मैं पता लाऊंगी आने वाले दिनों में, तो आप आराम से इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक कर ले फ्रेंड्स। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।